की बारिश हो रही है दोस्तों, और मैं सफ़र करने वाला हूँ न्यू रेन एंड को। पे बंद करके रेडी है इस रूट में चलने के लिए, तो देखिए ये कब चलती है। इस ब्लॉग को बनाते हुए तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि वो उसका नेक्स्ट स्टॉप कहाँ हो। तो सर आप मुझे ये बताइए कि आप कितने दिनों से गाड़ी चला रहे हैं इस लाइन में? दो हज़ार मार दिया जाता है, मतलब पीछे से ट्रक जो आकर के पीछे से टक्कर मार देती, जिस वजह से हमारी बस को 1000 की फैमिली बन चुकी है। आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिखाया है, तो बैक टू माई यूट्यूब चैनल इनवॉल्व ब्लॉग। तो इनवॉल्व ब्लॉग की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से आ गया हूँ बाबू घाट एक नई बस जर्नी में। तो आज मैं करने वाला हूँ ट्रैवल कोलकाता टू नवादा, और मेरी गाड़ी का नाम है न्यू रेन। तो मैं इस बस से करने वाला हूँ ट्रैवल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रही मेरी बस, और ये जर्नी होने वाली है 500 किलोमीटर की। तो इस गाड़ी में क्या क्या मौजूद है, क्या क्या एमिनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या, इस गाड़ी का रूट है क्या क्या, ये फेयर है, इसका इंटीरियर कैसा है, इसका एक्सटीरियर कैसा, तो आपको सब कुछ पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो बिना वक्त को गवाते हुए इस ब्लॉग को करते हैं शुरू। तो हल्की हल्की बारिश हो रही है दोस्तों, और मैं सफ़र करने वाला हूँ न्यू रेन एंड को। तो देखिए क्या क्या होता है इस जर्नी में। आप लोग हमारे साथ बने रहें मेरे चैनल पे। जो लोग पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें और लाइक बटन दबाएं। तो गाइज़ मेरे साथ बने रहें इस ब्लॉग में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैं आपको फुल डिटेल्स देने वाला हूँ गाड़ी के बारे में, इसकी एमिनिटीज़ बताने वाला हूँ, इसकी अच्छाई इसकी बुराई, क्या क्या इस गाड़ी में मिलता है, कैसा ये गाड़ी दिखता है अंदर से, कहाँ कहाँ पे ये गाड़ी जाती है, क्या क्या इसके रूट हैं। तो आपको मैं फुल डिटेल दूंगा, फुल डिटेल। तो मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहे। अभी जो मैं खड़ा हूँ ये है बाबू घाट, और मेरे पीछे है ये मेरी बस। अभी वक्त हो रहा है 7:20। देखिए ये गाड़ी कितने बजे खुलती है, जैसे खुलेगी मैं आपको अपडेट दूंगा। ये गाड़ी एक्चुअली खुलती है पद्दो पोखर से, उसके बाद आती है बाबू घाट, और उसके बाद ये जर्नी होती है कंटिन्यू। तो मैं अभी बाहर खड़ा हूँ, मेरी गाड़ी खड़ी है। तो देखिए सफ़र कैसा रहता है, क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे सकता हूँ इस बस जर्नी में। तो मेरे साथ इस ब्लॉग में गाइस बने रहे हैं कुछ पल मेरे साथ इनवॉल्व ब्लॉग के साथ।
तो अभी मैं मौजूद हूँ सिंगूर के करीब में एक पेट्रोल पंप पे, जहाँ पे एज़ यूज़ुअल जैसे गाड़ी हमारी पेट्रोल लेती है, तो ये ठीक हाईवे के सटे हुए नज़दीक, हाईवे से नज़दीक एक पेट्रोल पंप है। वहाँ पे मैं हमेशा देखता हूँ जितनी भी इस रूट की गाड़ियाँ हैं, ये केवल और केवल इसी जगह से अपनी फ्यूलिंग करवाती है। और मैं जिस गाड़ी से सफ़र कर रहा हूँ उसका नाम है रहीम, और इसी बस की दो कोचेस और यहाँ पर बन के मौजूद है, जो बहुत ही जल्द इस रूट में चलने के लिए रेडी है। तो मैं आपको उस बस के करीब लेके जाता हूँ। ब्रांड न्यू है, मैंने अभी तक नंबर भी नहीं देखा उसका, तो वो वहाँ पे मौजूद है और गाड़ी यहाँ पे रिफ्यूलिंग हो रही है, और जिनको फ्रेश वॉशरूम वगैरह जाना है तो वॉशरूम के लिए यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ उस बस के करीब, जहाँ पे वो बस, दो कोचेस बस जो हैं वो खड़ी हैं, ब्रांड न्यू, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको वो गाड़ी कैसी है। ये दो ब्रांड न्यू कोचेस हैं जो यहाँ पे बन करके रेडी है इस रूट में चलने के लिए। तो देखिए ये कब चलती है, न्यू रहीम, आप देख सकते हैं। फ्रंट से एक गाड़ी खड़ी है और एक बैक से, और वो रही दूर में हमारी गाड़ी जो फ्यूल भरवा रही है। तो मैं गाड़ी का इंटीरियर बाद में दिखाता हूँ। वैसे बड़ा ही कंफर्टेबल जर्नी हो रही है, गाड़ी पूरी फुल है, बहुत लोग भरे हुए हैं गाड़ी में, तो इंटीरियर निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और काफ़ी तकलीफ़ भी हो रही है बात कर। तो मैं अंदर से कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, और मेरी जो सीट है ना वो भी मुझे 3 नंबर मिली है। बज रहे हैं 11:30 और हमारी गाड़ी रुकी हुई है होटल जय दादा बर्दवान के करीब में। तो देखिए इसके बाद गाड़ी कहाँ रुकती है। मैं पहली बार न्यू रहीम से ट्रेवल कर रहा हूँ इस ब्लॉग को बनाते हुए, तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि वो उसका नेक्स्ट स्टॉप कहाँ होगा और कितने बजे हम पहुँचेंगे। तकरीबन हम निकले थे बाबूघाट से 7:35 में, शार्प 7:35 में गाड़ी वहाँ से निकली थी। मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि इस बार बैड लक हुआ कि मुझे सीट नंबर 3 मिला है, और जहाँ से व्यू मेरे पास था तो सामने का व्यू है, ना ही साइड
विंडो का व्यू है। तो जिस जैसे तैसे मैंने शूट किया है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा ये ब्लॉग। जो भी हमारे इस चैनल पे नए हैं, जो लोग इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप हमें लाइक करते हैं तो हमें हौसला मिलता है, और जब हौसला मिलता है तो हम एक नए बस जर्नी को लेकर के आपके सामने शामिल हो जाते हैं। एक वाहिद बंदा लगता मैं ही हूँ इस रूट में जो ब्लॉग बना रहा हूँ। अगर कोई और हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। हल्की हल्की बारिश है, आप देख सकते हैं। मैं कह सकता हूँ मॉनसून स्टार्ट हो गया, और मॉनसून में भी जर्नी करने का अपना ही एक अलग ही मज़ा है। आई लव जर्नी, आई लव बस जर्नी। जो ना इससे सेटिस्फेक्शन कोई और हो नहीं सकता। ट्रेन जर्नी, बस आप बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रही है, आप कहीं उतर नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते। लेकिन जब आप बस जर्नी करते हो ना, तो आपको सब कुछ मिलता है, आप सब कुछ देख सकते हो। गाड़ी कहाँ से जा रही है, खेत खलिहान सब कुछ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो उतर के, जब वो गाड़ी रुकती है तब। तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है। आई होप गाइज़ आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आता होगा। तो जर्नी को करते हैं कंटिन्यू, देखते हैं आगे क्या होता है। तो मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहे। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं इस गाड़ी के पायलट। मैं हमेशा अपने ब्लॉग में कभी भी ड्राइवर को ड्राइवर नहीं बोलता है। तो आपका नाम क्या है सर, बताइए। मोहम्मद फिरोज़ का। तो सर आप मुझे ये बताइए कि आप कितने दिनों से गाड़ी चला रहे इस लाइन में। 2009 से। तो ये क्या आप रेन में ही चला रहे हैं, या फिर आपने हर तरह के हर स्वरूप की बस को चलाया है। मैंने चलाया सभी गाड़ी चलाए हैं, फिर बस संगीता जी, उसके बाद फिर अपना ध्यान ध्यान के बाद रेन, ध्यान के बाद रेन। रेन अभी कितने दिन से चला रहे हैं। 5 साल। 5 साल से चला रहे हैं, तो इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और मैं बताऊँगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी चला रहे थे। मैं किलोमीटर भी नोटिस कर रहा था, आप लोगों को दिखाऊंगा। और इन जब ये खाना खाने के बाद जब ये केबिन में जाएंगे, तो उस वक्त भी हम लोग कुछ शूट करेंगे। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अचानक से। एक्चुअली वो वीडियो यहीं पर एंड है, मैंने आगे का शूट किया ही नहीं, मैंने आगे का ब्लॉग बनाया ही नहीं। क्योंकि उस वक्त जो है, जैसे हमारी गाड़ी डिनर के वक्त जो डिनर के लिए रुकी हुई थी, और जैसे गाड़ी हमारी रोड पे जाती है NH-19 पे, तो पीछे से एक ज़ोरदार टक्कर मार दिया जाता है। मतलब पीछे से ट्रक जो आकर के पीछे से टक्कर मार देते हैं, जिस वजह से हमारी बस को थोड़ी सी डैमेज हो जाती है। अंदर से हम लोग बिल्कुल सेफ रहते हैं, लेकिन मेरा मूड हो जाता है बिल्कुल ख़त्म, और जिस वजह से मैं उस ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं करता हूँ, वहीं पर अधूरा छोड़ देता हूँ। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं क्या करूं, ब्लॉग आगे इस वीडियो को मैं क्या करूं, छोड़ दूं, एडिट करूं या ना करूं। तो मुझे कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई, सर अभी तक वो वीडियो आया नहीं बोल करके। तो मैंने फाइनली सोचा कि चलो जितना मैंने शूट किया था उसे ही अपलोड कर देते हैं इस क्लिप के साथ, और कुछ बस को जो चोट लगी थी वो मैं क्लिप ऐड कर देता हूँ लास्ट में, और इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताएं। और हमारी फैमिली जो है वो 1000 की फैमिली बन चुकी है आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिखाया है, तो थैंक यू सो मच इन वर्ल्ड को इतना सपोर्ट करने के लिए। तो आप लोग इसी तरह से प्यार दें, हम इसी तरह से मेहनत करेंगे और ब्लॉग बनाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।